बाबा। जशौली के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जशौली के कप्तान अक्को, थैंक यू। अपने कोटि की पहली ओवर टीम की तरफ से, पहली ओवर लेकर अक्को 53 रन बनाने पड़ेंगे, 53 रन बनाने पड़ेंगे महाड़ को अगर जीतना है तो 24 गेंदे और 53 रनों की जरूरत। अपनी कोटि की पहली ओवर टीम की तरफ से, पहली ओवर लेकर अक्को द्रोणाचार्य के राइट ओवर द विकेट की तरफ से विटो को पार किया। बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट है, बिल्कुल काबिले तारीफ, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा, 6 रन पहली गेंद पर अपने इरादे साबित कर दिए कि मैं बल्लेबाज हूँ, कुछ गेंदों पर मैं भी प्रहार कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह टेनिस क्रिकेट का दिग्गज खिलाड़ी, आकर्षक खिलाड़ी योगेश पेनकर। पानी लेकर जाए ग्राउंड पर, जल्द से जल्द पानी लेकर जाए। जशौली और मानगांव के बीच यहां पर टॉस उड़ाया जा रहा है। पहली गेंद पर, पहली गेंद पर अपने इरादे साबित कर दिए योगेश ने। जी बिल्कुल बेहतरीन साबित होते हैं अपनी अपनी पारी में, अपने बल्लेबाजी में। फिर से एक मरतब सामना करेंगे राइट ओवर द विकेट की तरफ से, इस बार थोड़े से बैठे हुए, अंपायर का इशारा डेट गए। स्कोर वही तमाम 6 रन, एक गेंद और 6 रन, पहली ओवर का खेल जारी। फिर से एक मरतबा अपनी ओवर में, दूसरी दफा राइट आर्म और राउंड विकेट की तरफ से गेंद करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी अपील अंपायर द्वारा, मगर यहां पर अंपायर का इशारा वाइड गेंद, वाइड गेंद मिली यहां पर। अतिरिक्त रूप में एक रन मिला, एक रन की मदद से इसको बढ़ोतरी, इसको जा पहुंचा 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जबकि योगेश पेनकर यूके हार्ड हीटर बल्लेबाज विकेटों पर मौजूद है, एक टेनिस क्रिकेट का दिग्गज खिलाड़ी विकेटों पर मौजूद है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी आपको अगर मैच जीतना है तो। फिर से एक मरतबा द्रोणाचार्य के अपर को पार किया, विकेट को पार किया। बहुत ही अच्छी गेंद, स्लोअर लाइन की गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, इस बार समझ नहीं बैट और बॉल का कोई संबंध नहीं। स्कोर वही तमाम 7 रन, जबकि पहली ओवर का खेल जारी। 2 गेंदे, 4 गेंदे आना बाकी, इस ओवर की 4 गेंदे आना बाकी। 53 रन का लक्ष्य रखा गया यहां पर पाली की तरफ से, 53 रन बनाने पड़ेंगे। फिर से एक मरतबा अपनी ओवर में, तीसरी दफा राइट आर्म राउंड विकेट की तरफ से गेंद करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट है, डिक्लेयर यहां पर गैप की दिशा में खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला 4 रनों के लिए, कारपेट के सहारे से बढ़ते हुए 4 रन मिलेंगे। 4 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 3 गेंदे और 11 रन, इस ओवर की 3 गेंदे आना बाकी। सामना करेंगे वही बल्लेबाज योगेश पेनकर, एक जीती जागती मिसाल योगेश पेनकर, टेनिस क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी। सामना करेंगे फिर से एक मरतबा अक्को का, फिर से एक मरतबा द्रोणाचार्य के अंपायर को पार किया, विटो को पार किया। बहुत ही अच्छी गेंद, इतनी अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद नहीं है यहाँ पर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई, अंपायर का इशारा 4 रन, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा 4 रन, 4 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल एक अच्छी शॉट कलेक्शन यहां पर देखने को मिल रही घारिया की तरफ से, 4 गेंदे जबकि पहले ओवर का खेल जारी, 2 गेंदे आना बाकी और स्कोर है 15 रन। फिर से एक मरता द्रोणाचार्य के अंपायर को पार किया, विकेट को पार किया। बहुत ही अच्छी गेंद, कारपेट के सहारे से खेली हुई गेंद, अच्छी गेंद कही जा सकती, बिल्कुल इस बीच एक रन लेने का मौका था, आसानी के साथ में एक रन लिया, एक रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, इस ओवर का आखिरी गेंद आना शेष। इस ओवर में बिल्कुल 5 गेंदे फेंकी और महंगे साबित हुए अपनी टीम के लिए। आपको फिर से एक मरतबा
सामना करेंगे नए बल्लेबाज सूरज। बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद नहीं है। मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से चलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा 6 रन, 6 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जहां पहुंचा है 22 रन, धाव संख्या 22। फैरोज साकरकर इनके हाथों से मानगांव और जशोली के बीच टॉस उड़ाया जाएगा। मैं फैरोज से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस मैच का टॉस करा ले। ओवर के खात्मे पे स्कोर है 22 रन, 53 रनों का पीछा करते हुए योगेश पेनकर और सूरज जी। बिल्कुल एक बड़ा लक्ष्य रखा गया यहां पर 53 रनों का। बॉलर्स नेम विनीत, राइट आर्म और विकेट की तरफ से गेंद करेंगे विनीत। अगर जीतना है तो नपी तुली गेंदबाजी करनी पड़ेगी, एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बल्लेबाजों को बांध के रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्या उस तरह से गेंदबाजी देखने को मिलती है विनीत की तरफ से। दो नशक यहां पर को पार किया, बिट्टू को पार किया, हाथ ही खराब है गेंद, जिसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक मोटा प्रहार मात्र, चेंडू सी मारे पारे षटकार, मैदान सा छावा, योगेश पेनकर ऑन फायर, मैन फ्रॉम मान महाड़ जी। बिल्कुल 6 रन मिलेंगे, 6 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 28 रन, एक गेंद और 28 रन। वही योगेश पेनकर जो अपने बल्ले से पहली गेंद पर, पहली ओवर पर पहली गेंद पर छक्का लगाया था, दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का लगाया, दूसरी ओवर पर जी बिल्कुल पहली गेंद पर इरादे साबित किए, मिस टाइम शॉट, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी योगेश द्वारा। चौके की तरफ कारपेट के साथ से बढ़ते हुए 4 रन मिलेंगे, 4 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 32 लॉस ऑफ 0 विकेट। एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए योगेश पेनकर, एक अच्छे मानगांव के सुनील भाई यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए सभी खिलाड़ी, यहां से जाना है आपको, इस बात को नोट कर ले। भारत दादा आपके लिए बुरा आ रहे, वाइड गेंद अतिरिक्त रूप में 1 रन मिला, 1 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 33 रन, 33। मानगांव ने अपना डिसीजन दिया फील्डिंग का और जशोली को बल्लेबाजी की दावत दी है। 2 गेंद और 33 रन, जबकि दूसरी ओवर का खेल जारी। फिर से एक मिनट दरमाशो के अंपर को पार किया, टोको पार किया, बहुत ही अच्छी गेंद, इतनी अच्छी शॉट है, फील्डर मौजूद है लेकिन कोई फायदा नहीं, फील्डर के सर के जाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पड़ती हुई, मात्र अफलातून ने षटकार योगेश वरुण। 6 रन, 6 धावा भेटतील, धाव फलावर धाव संख्या वाढते, धाव संख्या झाली 39 रन, दिन बाद 39। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी योगेश द्वारा जी। बिल्कुल इससे पहले पोलादपुर में भी एक अच्छी पारी खेली थी योगेश पेनकर ने। फिर से एक मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच लेन की गेंद, कैच का मौका, फील्डर मौजूद है और कैच ड्रॉप की है बिल्कुल, मगर किसकी की है, योगेश पेनकर की। बिल्कुल गेंदबाज है, बिल्कुल साबित हो गए मंगो स्टार क्रिकेट क्लब, इनकी तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है 20, 21 और 22, इस 20, 21, 22, 23 इन तारीख को यहां पर टूर्नामेंट आयोजित किया गया मंगो स्टार क्रिकेट क्लब की तरफ से, जिसका पहला इनाम है 50,000 और ट्रॉफी, दूसरा इनाम है और बेहतरीन कैच, काफी बेहतरीन योगेश बैक टू द पवेलियन एक अच्छी पारी के साथ में। उसी के साथ में मैं बता रहा था कि एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसका पहला इनाम है 50,000, दूसरा इनाम है 25,000 और ट्रॉफी, तीसरा इनाम है 15,000 और ट्रॉफी और चौथा इनाम है 10,000 और ट्रॉफी, जिसकी एंट्री फी है 5,000। उसी के साथ में बताता चलो कि 20 तारीख को 8 राउंड खिलाए जाएंगे गांव टू गांव के क्षेत्र में और 21 तारीख को
आठ राउंड खिलाए जाएंगे गांव टू गांव को, और 22 को भी वही खिलाया जाएगा, और 23 तारीख को ओपन खिलाया जाएगा, ओपन लॉट्स खिलाया जाएगा। इस बात को नोट कर ले सभी खिलाड़ी। रोहित नए बल्लेबाज है, योगेश पेन कर रहा है एक अच्छी पारी के साथ में, एक अच्छी बल्लेबाजी के साथ में बैक टू द पवेलियन आते हुए, यहाँ पर पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए फिर से एक मरतबा दौड़ना शुरू किया, बिट्टू को पार किया, बहुत ही अच्छी गेंद नपीतली गेंद करते हुए यहाँ पर रहा। ओवर के खात्मे पे स्कोर है 43 रन, लॉस ऑफ वन विकेट, एक बड़ा विकेट हासिल किया था, बल्कि यहाँ पर कैच भी छोड़ी थी योगेश पेन करके, थोड़े से क्रिकेट क्रिकेट के बारे में बताता चलो कि क्रिकेट के जरिए कुछ खिलाड़ियों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिला है जी, बिल्कुल स्कूल और अपनी नौकरी धंधा छोड़कर इस क्रिकेट के पीछे भागने वाले यही खिलाड़ी है जिन्हें ये क्रिकेट की वजह से मिला है। बिल्कुल एक अच्छे अंदाज के साथ में गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राकेश, बता रहा था कि क्रिकेट के जरिए बहुत कुछ मिला है, बिल्कुल अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके का नाम रोशन करने का मौका यहां पर, बिल्कुल एक सात समंदर पार जाकर अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करना यही क्रिकेट से मिला है। बिल्कुल एक रन लिया आसानी के साथ में, दूसरे की कोशिश है, दूसरा भी आसानी के साथ में खराब फील्ड की वजह से दो रन मिले, दो रन की वजह से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जहां पहुंचा है 46, लॉस ऑफ वन विकेट जी। बिल्कुल स्ट्राइक पे मौजूद है सूरज, नॉन स्ट्राइक पे है रोहित। इसी क्रिकेट की दुनिया से एक उभरता हुआ खिलाड़ी आज हमारे सामने मौजूद है योगेश पेनकर, बिल्कुल एक अच्छी पारी खेली थी, बहुत ही अच्छी कोशिश, उतना ही अच्छा शॉट, एक मोटा प्रहार मात्र, चेड सी मारे शापार, षटकार, सहा धावा भेटे, धाव फलावर धाव संख्या झाली होती तब्बल 52 रन, अब जीत के लिए एक रनों की जरूरत, एक रन की जरूरत, सामना करेंगे सूरज, इस लाइक पे मौजूद है सूरज, फिर से एक मत दोनों शुक्रिया पार को पार किया, बिट्टू को पार किया, बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट फिश लाइन की गेंद, मिस टाइम शॉट है, कैच का मौका, काफी करीबी मामला, और ये क्या कैच ड्रॉप कर दिया, आखिरी गेंद पे कैच ड्रॉप कर दिए, बिल्कुल इस मैच की अंपायरिंग करेंगे अरशद नाडकर और शाहनवाज काजी। बिल्कुल यहां पर महाड मैच जीता हुआ योगेश पेनकर जो कि एक टेनिस क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उन्हीं के लिए मैं कुछ लफ्ज कहूंगा, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं बदल गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर।